दोस्तों, देखिए आज हम ये टेबल कवर का डिज़ाइन लाए हैं। डिज़ाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। देखिए पूरा हमने 16 टिकी का बनाया हुआ है, यानी 16 टिकी का बनाया हुआ है पूरा पूरा, फोर फोर का करके स्क्वायर में बनाए हैं। आप चाहे तो इसे रेक्टेंगल में भी बना सकते हैं, जैसे फोर फोर का हम फोर स्टेप्स बनाए हैं, आप सिक्स स्टेप्स बना सकते हैं एक साइड से, तो हो जाएगा रेक्टेंगल में। आप लोग जो भी चीज़ के साइज़ का चाहिए आप लोग बना सकते हैं, टीवी कवर, टेबल कवर, सोफ़ा कवर, ब्लैंकेट, जो भी चाहे आप इसका बना सकते हैं। तो डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसे बनाने के लिए देखिए हमने फोर नंबर क्रोशिया यूज किया है, फोर प्लाई का उलन है जिससे हम बनाए हैं। इसे बनाने में हमारा 75 ग्राम उलन लगा है। तो डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हम पहले ऐसे उंगलियों पे राउंड करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 राउंड कर लिए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे, क्रोशिया को इसमें लगाएंगे, उसके बाद से हम ऐसे धागे को लेके इसमें से निकाल के ऐसे बांध लेंगे। फिर यहाँ पर एक दो दो चेन करेंगे, फंदे लेंगे हम, डबल क्रोशिया हम ऐसे बनाएंगे, एक एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे करते हुए हम राउंड में 16 डबल क्रोशिया यानी 16 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। और ये फर्स्ट वन में लेके हम जॉइंट कर लेंगे। तो ऐसे राउंड हमने कंप्लीट किया, उसके बाद से हम ये कलर लेंगे, ऐसे लेके नॉट लगा के कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे बांधेंगे, धागे को खींचेंगे, हम पफ बनाएंगे यहाँ पर, फंदे लेके ऐसे, एक एक दो हुआ तीन चार, फिर इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, ये बांध लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक चेन कर लेंगे, एक चेन करने के बाद से फिर फंदे लेंगे, फिर उसके बगल वाले में हम ऐसे एक दो तीन चार, फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, ये बांधेंगे, फिर एक चेन करेंगे हम, फिर एक चेन करके फिर फंदे लेंगे, फिर इसके बगल में हम फिर ऐसे ही एक दो तीन चार, फोर टाइम फिर खींचेंगे, फिर ऐसे बनाएंगे हम, पफ बना लेंगे, फिर एक चेन करेंगे फिर इसके बगल में। तो ऐसे ही बनाते हुए जितना ये 16 है डबल क्रोशिया, पूरा 16 के ऊपर 16 हमें ऐसे राउंड में पूरा कंप्लीट करना है। हमने राउंड में ऐसे पूरा 16 के ऊपर 16 ये हमने बना लिया है पफ, एक चेन करके पहले वाले में लेके हम ऐसे जॉइंट करेंगे और ये बांध के हम कट कर लेंगे यहाँ पर। अब इसे हम बैक साइड ऐसे लगा देंगे, इसके बाद से हम फिर ये कलर लेंगे नॉट लगा के, और जो एक एक चेन हम किए हैं इसमें हमें बनाना है ऐसे बांध के, एक दो दो चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे, हम डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, तो एक एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया बना लिए, फिर इसके बगल में एक दो तीन, तीन फिर बना लेंगे, फंदे लेंगे, फिर इसके बगल में भी हम एक दो एक तीन, तीन तीन डबल क्रोशिया हमें पूरे में बनाना है। देखिए जैसे बना रहे हैं ऐसे, हर एक में हमें तीन तीन डबल क्रोशिया ऐसे बना लेना है। आप लोग को अगर कम लगे तो आप लोग चार चार भी बना सकते हैं, लेकिन चार चार बनाने पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तीन तीन बना के ही इसे हम कंप्लीट करते हैं। तो हमने तीन तीन डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड पूरा कंप्लीट किया, फिर फर्स्ट वन में लिए कि हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे, इसे कट करके हम निकाल लेंगे।
अब इसे भी बैक साइड हम ऐसे लगा लेते हैं। देखिए अब इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए ऐसे, अगर हल्का झुकता है तो, नहीं झुके तो ऐसे सही है, हल्के हाथों से बनाएंगे तो अच्छा होता। देखिए अब उसके बाद से हम ये कलर लेंगे नॉट लगा के, और जो ये तीन तीन डबल क्रोशे बनाए हैं इसके मिडिल वाला जगह है यहाँ पर बनाना है हमें, ऐसे बांध के एक दो दो चेन करेंगे, फंदे लेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे तो एक एक दो हुआ, एक और डबल क्रोशे बना लेंगे, तीन डबल क्रोशे हम बना लिए, फंदे लेंगे इसके बगल में भी हम ऐसे एक दो तीन डबल क्रोशे यहाँ पर भी बना लेंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर भी हम एक दो तीन तीन डबल क्रोशे यहाँ भी बना लेंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर इसके बगल में यहाँ पर पहले हम तीन डबल क्रोशे बना लेते हैं, तीन तीन डबल क्रोशे बना लिए, उसके बाद हम यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच फाइव चेन करेंगे, फंदे लेंगे, सेम जगह पे फिर से हम तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन, देखिए फिर फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर हम एक पास तीन डबल क्रोशे है, एक दो तीन फंदे लेंगे, फिर इसके बगल में भी हम से एक दो तीन, देखिए फिर यहाँ पर भी हम सेम ऐसे ही एक दो तीन, फिर तीन जगह हम लाइन्स बना लिए जैसे इधर बनाए थे, फंदे लेंगे, अब यहाँ पर पहले तीन डबल क्रोशे बना लेंगे, एक दो तीन, उसके बाद हम एक दो तीन चार पाँच फाइव चेन करेंगे, सेम जगह पे फिर से हम से एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फंदे लेंगे, अब इसके बगल में फिर यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर तीन डबल क्रोशिया, तीन जगह बनाएंगे, फिर चौथे जगह पे फिर सेम ऐसा बनाएंगे, तो ऐसे हम बना ले रहे हैं। और तो देखिए हमने चारों तरफ से ऐसे बना लिया, अब उसके बाद फिर पहले वाले में लेके हम यहाँ पर ऐसे जॉइंट करेंगे और ये कट करके हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमने ऐसे बनाया, अब उसके बाद इसमें बनाएंगे जॉइंट करेंगे, तो जॉइंट करने के लिए देखिए हमने ऐसे बनाया, फिर पहले यहाँ पर तीन बना लिए हैं, अब यहाँ पर हम जैसे फाइव चेन कर रहे थे तो इसमें हम एक दो दो चेन करके पहले यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे, पहले यहाँ पर हम ऐसे जॉइंट कर ले रहे हैं, फिर एक दो चेन फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर हम एक दो तीन, देखिए अब उसके बाद से हम यहाँ पर ऐसे लाइक ले जाके हम पहले जॉइंट कर ले रहे हैं ऐसे, उसके बाद फिर फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन, देखिए इसके सामने, फिर इसके बगल में हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे, फिर यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन, फिर यहाँ पर हम जॉइंट कर लेंगे, ऐसे दो जगह बनाए, एक जगह और यहाँ पर बनाएंगे हम ऐसे, एक दो तीन, अब उसके बाद से फिर लास्ट में यहाँ पर जॉइंट करेंगे, जैसे यहाँ पर जॉइंट किए थे हम से, यहाँ पर पहले हम ऐसे जॉइंट कर ले रहे हैं, और उसके बाद फिर पहले हम इसमें तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन, उसके बाद से एक दो दो चेन, और ये जो चेन है इसमें हम लेके ऐसे जॉइंट करेंगे, फिर एक दो दो चेन फंदे लेंगे, फिर इसमें हम ऐसे एक दो तीन, देखिए अब उसके बाद से हम फिर से सेम चीज़ बनाएंगे इधर,
यहाँ पर तीन तीन डबल क्रोशिया हर एक में बना लेंगे, इसमें 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 तीनों जगह तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर ऐसा बना के इसमें हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए हमने ऐसे दो ज्वाइंट किया। अब ऐसे ही और भी जितना लंबा चाहे, अपने हिसाब से जितना बड़ा चाहे उस हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। तो हम और बना ले रहे हैं, फिर दूसरे साइड ज्वाइंट करने को दिखा रहे हैं। देखिए हमने लाइन से ये चार ज्वाइंट कर लिया, उसके बाद हम यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। तो हम यहाँ से ज्वाइंट करते हुए यहाँ तक ज्वाइंट करेंगे। पहला हम देखिए यहाँ तक बनाए हैं, अब यहाँ पर हम एक दो चेन करके पहले यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे, फिर एक दो दो चेन फंदे लेंगे सेम जगह पे। पहले तीन डबल क्रोशे हम बना लेते हैं, उसके बाद से हम फिर इसके बगल में देखिए यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे हम ले लेके, फिर इसके बगल में यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशे पहले बना लेंगे, एक दो तीन, उसके बाद फिर यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, फिर यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया, देखिए तीन जगह ये बनाते जा रहे हैं ज्वाइंट करते जा रहे हैं, फिर लास्ट में यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर अब हम तीन डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, एक दो तीन, फिर एक दो चेन, और फिर इसमें हम ये दोनों ज्वाइंट है इसके बीच में हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर एक दो चेन, फिर सेम चीज़ें यहाँ पर बना लेंगे, तीन डबल क्रोशिया पहले दो तीन फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया, फिर इधर बनाते हुए ये कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये बना कंप्लीट किया। अब उसके बाद हम इधर ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ ज्वाइंट करने के लिए हमने यहाँ तक अभी बनाया है दो चेन करके, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो इसमें पहले हम ज्वाइंट कर ले रहे हैं दो चेन, फिर करेंगे और उसके बाद से फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर तीन, देखिए। अब उसके बाद से फिर हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे पहला, देखिए इसको बनाने के बाद से हमें यहाँ पर ज्वाइंट करना है। उसके बाद से फिर लाइन से हम तीन तीन डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ज्वाइंट करते जाएंगे। अब इसके सामने ये है तो ऐसे यहाँ पर रह के इसके बगल में यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर ज्वाइंट करते हैं। तो देखिए हमने ये तीनों जगह बना बना के ऐसे ज्वाइंट कर लिया। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर पहले तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन, फिर एक दो चेन करेंगे और ये तीनों ज्वाइंट है इसके बीच में हमें ज्वाइंट करना है। तो ऐसे लेके और इसके मिडिल में हम ऐसे ज्वाइंट कर ले रहे हैं, फिर एक दो चेन फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर हम एक और एक ऐसे दो अरे तीन ऐसे हो गया। अब उसके बाद से फिर हमें अब इस साइड ज्वाइंट करना है, तो इसके बगल में हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर सेम चीज़ें बनाएंगे तीन जगह, तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और ज्वाइंट करते जाएंगे। देखिए फिर यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे, फिर यहाँ तक हम बना ले रहे हैं पहले। तो देखिए ये भी तीनों हम लाइन से ज्वाइंट कर लिए, फंदे लिए, फिर यहाँ पर हम ऐसे एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक दो चेन और फिर इसके नीचे से ऐसे लेके हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर एक दो चेन फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया पहले बना लेंगे,
उसके बाद से फिर लाइन से हम इधर तीन तीन डबल क्रोशे बनाते हुए इधर तक कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ऐसे बनाते हुए पूरा कंप्लीट किया, यहाँ ज्वाइंट करके ये तीन जगह बनाते हैं, ज्वाइंट किए फिर मिडिल में ज्वाइंट किए, फिर ये तीन जगह बना बना के ज्वाइंट किए, फिर यहाँ ज्वाइंट करके ये कंप्लीट कर लिए। तो ऐसे ही और बनेगा, अब इधर से स्टार्ट होगा बनना। तो फिर यहाँ ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद यहाँ ज्वाइंट करके फिर तीन बनाएंगे, फिर इसमें ज्वाइंट करेंगे, फिर तीन बनाएंगे, फिर इसमें ज्वाइंट करेंगे, फिर ऐसा बनाएंगे, फिर इसमें ज्वाइंट करके फिर तीन बना के दो चेन करके इसमें ज्वाइंट कर लेंगे, फिर इधर साइड ज्वाइंट करेंगे, फिर इधर साइड ज्वाइंट करते इधर बनाएंगे, ऐसे कंप्लीट करेंगे। फिर सेम ऐसे ही इधर भी, अब ऐसे फिर उसके बाद इधर बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे कंप्लीट करेंगे बनाएंगे। तो हम और बना ले रहे हैं पूरा, चारों तरफ से बना कंप्लीट करते हैं अपने हिसाब से, जितना बड़ा चाहे हम लोग बना सकते हैं, टीवी कवर, टेबल कवर, सोफ़ा कवर, ब्लैंकेट, उसका जो भी चाहे हम लोग बना सकते हैं। तो हम और बना ले रहे हैं, फिर आगे दिखा देखिए। हमने ये चार चार पूरा ज्वाइंट करके पूरा पूरा बना लिया, 16 टिक्की लगाए हैं, पूरा 16 टिक्की स्क्वायर में पूरा हम बनाए हैं। आप चाहें तो रेक्टेंगल बना सकते हैं, दो स्टेप्स और बना के रेक्टेंगल हो जाएगा। जैसे हम चार लाइन बनाए, आप छः लाइन बनाएंगे एक साइड से तो रेक्टेंगल होगा ये। अब इसके बाद से हम यहाँ पर हम मफलर फ्लावर बनाएंगे बांध के, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, दोनों ज्वाइंट है यहाँ पर ऐसे बांध के, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 सेवन चेन ढाई को खींच के हम इसे पफ बना लेंगे ऐसे, 2 3 4 5 फाइव टाइम, फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे बांधेंगे, फिर ढाई को इसके ऊपर चढ़ाएंगे, फिर ऐसे बांधेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 सेवन चेन। अब हम यहाँ पर देखिए बीच में तीन है, तो ये तीनों के बीच में यहाँ पर हम ऐसे ये बीच वाला पे हम ऐसे ज्वाइंट कर ले रहे हैं, देखिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 सेवन चेन, फिर ढाई को खींचेंगे, फिर से पफ बना लेंगे हम 3 4, हम फाइव टाइम ढाई को खींच रहे हैं ऐसे पफ बना रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर ऐसे बांध के चेन को इसके ऊपर चढ़ा के ऐसे बांध लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 सेवन चेन, फिर ये वाला है इसमें ऐसे लेके ऐसे ज्वाइंट करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 सेवन चेन, फिर ढाई को ऐसे खींच के और फिर ये बनाएंगे 3 4 5, फिर इसके नीचे से निकाल के बांध लेंगे, फिर ढाई को इसके ऊपर चढ़ा के फिर बांधेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 सेवन चेन, फिर मिडिल में यहाँ पर ऐसे मिडिल में यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ फिर मिडिल में फिर ऐसे बनाएंगे। तो बना ले रहे हैं चारों तरफ से। तो देखिए हमने ये चारों तरफ से बना के तैयार कर लिया, डिजाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, डिजाइन कैसा ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, थैंक यू।